ध्रुवाग्रह के साथ यहाँ आया था, जब मुझे डॉक्टर चंद्र ने कहा और मैंने देखा कैलाश सत्यार्थी जी का, तो मुझे लगा कि अच्छा हाँ, अब तो उनको नोबेल मिल चुका है, एनजीओस हैं, चलते हैं, कुछ वैसा ही होगा। लेकिन यहाँ आके जब मैंने उनको सुना, पहली बार ही सुना, तो जिस पे मुझे फ़ख्र रहता है कि मैं अभी 60 के बाद अभी बच्चा ही हूँ, उसको कंटिन्यू करने का, जारी रखने का एक हौसला मिला है, एक मोटिवेशन मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो 60 के बाद भी जो है वो एक बचा के रख पाया हूँ। ये कविता है, जैसे बताया कि राजेश जोशी जी की है, ये बच्चों के बारे में है, बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए है, क्योंकि अक्सर बच्चों के लिए जो लिखा जाता है वो पढ़ते ही नहीं हैं। और मैंने जब बच्चों के साथ वर्कशॉप करता हूँ, जब नाटक करता हूँ, तो ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं और बच्चे अपने आप ही कुछ ले आते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम बच्चों को सिखाना नहीं, उनसे सीखें। जितना बच्चों से सीखते हैं शायद हम किसी से नहीं सीख पाते। मैं अपने बच्चों को भी 2 दिन पहले कह रहा था कि बहुत जल्दी बड़े हो गए हो तुम, मतलब अभी वो PTA में जाना और वो बस में छोड़ने जाना, तो अभी बस मज़ा आ ही रहा था कि तुम इतने बड़े हो गए हो। खैर, बहरहाल ये एक कविता है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये कि ये सारी चीजें हैं हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं।